वेलकम एवरीवन। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईपीएल का अगला मैच खेला जाएगा यानी 53 नंबर मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के दिन जो है दो मुकाबले होने वाले हैं और एक होगा 3:30 बजे दोपहर में और एक होगा 7:30 बजे शाम में। तो ये पहला मुकाबला होने वाला है आज का, इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग का एक यूनिक टीम बनाना चाहते हैं, स्मॉल लीग से अच्छे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस मैच से रिलेटेड इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप जो है अपनी टीम खुद से एक यूनिक बना करके ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक में आ सकते हो। स्मॉल लीग का आप बेहतरीन टीम बना पाओगे, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, किस प्लेयर को अपने टीम में पिक करना है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, इसके साथ सारे प्लेयर्स का स्टार्ट इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, जीएल का पिक कौन होगा, आज वाले इस मैच में ट्रंप कार्ड प्लेयर कौन हो सकता है, जीएल में आपको सीबीसी किसको करना है, स्मॉल लीग में आप सीबीसी किसे बना सकते हो, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। देखो जुड़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मैच के बारे में अगर कोई फर्दर अपडेट्स मिलेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, यानी कि जो जिस वक्त हम आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देने वाले हैं, इस वक्त कोई न्यूज़ आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में अगर कोई अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनल टीम भी आपको वहीं पे मिलते हैं, टॉस के बाद में स्मॉल लीग का टीम भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, इजीली आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। दोस्तों ये आईपीएल का आज के दिन जो पहला मैच खेला जाएगा 3:30 बजे दोपहर में, ये मैच के बारे में हम बात करेंगे जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, और 5 मई को यह मैच खेला जाएगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। 3:30 बजे के दोपहर में मैच स्टार्ट होगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के ग्राउंड पर यह मैच खेला जाने वाला है। अब यहाँ का ग्राउंड किस तरह से बिहेव करता है, कौन से प्लेयर्स इस ग्राउंड पे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सीधे दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म। दोस्तों पंजाब किंग्स का जो टीम है लास्ट 5 मैच में से 2 मैच को विन करके आ रही है और 3 मैच को लॉस किया है, ठीक है। लास्ट वाली मैच जो है विन करके आ रही है, ये दोनों टीमों के बीच लास्ट वाली मैच हुआ था जिनमें पंजाब किंग्स ने मतलब कि मैच को विन किया है, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लास्ट वाली मैच जो लॉस करके आ रही है, और लास्ट 5 मैच में इन्होंने 3 मैच को लॉस किया है, 2 मैच को विन किया है, ठीक है। लास्ट वाली मैच पंजाब किंग्स से हुआ था जो लॉस करके आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों का जो हेड टू हेड के मैचेस खेले गए हैं अभी तक के, 30 मैचेस खेले गए जिनमें 16 मैच जो है सीएसके ने विन किया है, पंजाब किंग्स ने 14 मैच को विन किया है, ठीक है। अब इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पर लास्ट 5 मैच में टोटल विकेट्स जो गए हैं 58 गए हैं, जिनमें पेसर्स को मिले हैं 49 विकेट्स, ओनली स्पिनर्स को 9 विकेट्स मिला हुआ है, तो एडवांटेज मिल रहा है पेसर गेंदबाज को, ठीक है। इस ग्राउंड पे पेसर हावी रहते हैं, पेसर्स को विकेट्स मिलते हैं, किस किस पेसर को लेकर चलना है, किस स्पिनर्स को लेकर चलना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस ग्राउंड का जो स्टेट्स है इसके ऊपर। दोस्तों ये ग्राउंड जो है हिमाचल प्रदेश का, इस ग्राउंड पे टोटल अभी तक के आईपीएल के मैचेस 9 बार खेले गए, जिनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है 6 मैच को विन किया है, सेकेंड बैटिंग करते हुए यहाँ पर 3 मैच को विन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी टीम जो है टॉस विन करती है पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि बैटिंग करना इजी है, चेजिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई भी टॉस विन करता है तो पहले बैटिंग करेगी और उन्हीं टीम को एडवांटेज मिलेगा विन करने का, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा 179 का। पंजाब किंग्स टीम जो है यहाँ पर हाइस्ट बनाया हुआ था 232 पे 2 विकेट, ठीक है, और लोएस्ट भी पंजाब किंग्स ने किया है 116 पे 10 विकेट, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, यहाँ पे हाईएस्ट भी बना रहे हैं पंजाब किंग्स और लोएस्ट भी है, ठीक है। तो पंजाब को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा क्योंकि ये इसका ग्राउंड है, तो यहाँ पे अच्छा इनिंग खेल सकता है इनके प्लेयर, दोनों टीमों में अच्छे प्लेयर है, ठीक है, दोनों टीम में अच्छे प्लेयर है, हीटर भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो ये
मैच जो है टक्कर का आज भी होने वाला है, ठीक है। तो हाईएस्ट चांस बन रहे हैं कि पंजाब मैच को विन कर सकती है। चलिए बात कर लेती है जो 9 मैच खेला गया इस ग्राउंड पे किस टाइम कितना स्कोर बना हुआ है, ठीक है। 150 के नीचे जो है 2 बार स्कोर बना हुआ है, 152, 169 0 बार स्कोर, अभी तक के एक भी स्कोर नहीं बना हुआ है 152, 169, ठीक है। 172, 189 के ऊपर जो है 4 बार स्कोर बना हुआ है और 190 के ऊपर जो है 3 बार स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरे जो है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होने वाला है, बैटिंग पिच है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 150 के नीचे अभी तक के 2 ही मैचेस हुए हैं, ठीक है। और वहीं 170 से 190 जो है 4 बार हुआ है और 190 के ऊपर जो है 3 बार स्कोर हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 9 में से 7 मैचेस जो है हाईएस्ट बने हैं और 2 मैचेस जो है यहाँ पे लोएस्ट बने हैं, ठीक है। तो इस मैच में भी आपको हाई स्कोर दिखने को मिल सकता है, बल्लेबाज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो कैसे टीम बनेगी वो चीज़ें तो मैं आपके आगे बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों का प्रोबल प्लेइंग 11, ठीक है। सीएसके से अजिंक्य रहाणे ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। शिवम दुबे को वन डाउन पे लाया गया था लास्ट मैच में, उसके बाद में रविंद्र जडेजा, मोइन अली, एमएस धोनी, डायरी मिचल, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर, रिचार्ड गिलसन है, इसके बाद में मतीसा पतिराना, ठीक है। यहाँ से एक दो प्लेयर आपको चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, बट अभी देखो यहाँ पे मुस्ताफिजुर रहमान जो है वो नहीं खेल रहे, इसके कारण यहाँ पे मतीसा पतिराना जो है आज वाले मैच में खेल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दीपक चार जो है इसको थोड़ा सा डाउट है कि ये मैच खेल पाए, बट अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनके जगह तो शारदेश पांडे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। चलिए आगे बात करते हैं पंजाब किंग्स से, जोनी विरिस्टोव है, रैली रूसो है ओपन करेंगे, शशांक सिंह टू डाउन पे हैं, सैम कुरन, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, किशोर अवाड़ा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह है, ठीक है। ये दोनों टीमों का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है, इसमें कोई चेंजेस होंगे उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, बस आपको ज्वाइन करके रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म, ठीक है। अजिंक्य रहाणे का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लास्ट 5 मैच में 2 मैच में मतलब कि 20 प्लस स्कोर है, बाकी सारे मैच में लो स्कोर है, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। जेल के कुछ टीमों में पिक करना, क्योंकि ये ग्रैंड ये जो पिच है बैटिंग पिच है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बैट्समैन चल सकता है, इसलिए अजिंक्य रहाणे को जेल के कुछ टीमों में पिक करना है। गायकवाड का फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, लास्ट 5 मैच में हर मैच में बंदा अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, ठीक है। लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस मैच में क्या कर सकता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये मैच जो होने वाला है हिमाचल प्रदेश पे होने वाला है, ठीक है। ग्राउंड नया है, इसके कारण ऋतुराज गायकवाड़ यहां पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये फ्लॉप होगा, लेकिन प्लेयर जो है काफी बड़ा प्लेयर है, फ्लॉप इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देख सकते हो लास्ट 5 मैच जो खेला है हर मैच में बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां पर आप ग्रैंड लीग का 5 से 6 टीम बना रहे हो वहां पर आप एक टीम में गायकवाड़ को ड्रॉप करो और अजिंक्य रहाणे को पिक करो, बाकी स्मॉल लीग में आपको रखना ही रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे शिवम दुबे का रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है। लास्ट वाली मैच में भले ही फ्लॉप रहा, लेकिन इसका जो रिसेंट फॉर्म है अच्छा है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ठीक है। तो इसको अपने टीम में लेके चलना है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में टॉप ऑर्डर में आ रहा है और बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो आपको लेके चलना ही चलना है, ठीक है। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है। लास्ट वाली मैच में विकेट लेस रहा और उससे पहले 1 विकेट और बैटिंग से भी अच्छा कर नहीं पाया, ठीक है। लेकिन आज वाले मैच में टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप होते हैं तो वो पारी संभालेगा रविंद्र जडेजा, ठीक है। इसलिए आपको अपने टीम में लेके चलना है स्मॉल लीग और जीएल दोनों में। मोइन अली है, मोइन अली का सिलेक्शन परसेंटेज काफी डाउन मिलेगा, बैटिंग से उतना अच्छा मतलब कि नहीं कर रहा है, बट बॉलिंग भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट वाली मैच में बॉलिंग कर रहा है, विकेट लेस रहा है, ठीक है। तो देख लेना आपको ड्रॉप करने का मतलब कि रिस्क ले सकते हो, ठीक है। एमएस धोनी है, बैटिंग ऑर्डर काफी डाउन है, फिनिशर है, तो आप फिर से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। किसी एक टीम में ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, बाकी आप ड्रॉप कर लेना, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे डायरी मिचल देखो 7 डाउन पे आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाली मैच में 7 डाउन पे आया, उसका रीजन था कि विकेट्स जल्दी गए, इसलिए डायरी मिचल जो है यहाँ पे 7 डाउन पे आया, लेकिन ये 2 डाउन 3 डाउन पे आ सकता है। अगर 2 डाउन पे बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस होंगे, डायरी मिचल 2 डाउन पे आएगा, तो फिर हम इस प्लेयर को अपने टीम में लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा बल्लेबाज है, लास्ट वाली मैच में देख सकते हो फ्लॉप उससे पहले 52 का स्कोर है, ठीक है। तो हम लेके जाएंगे, अदरवाइज अगर 7 डाउन पे आते हैं तो हम ड्रॉप करने का ही रिस्क लेंगे। दीपक चाहर
दीपक चहर का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में 10 मैच खेले 8 विकेट है, ठीक है। तो अगर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही हो उस कंडीशन में हम दीपक चहर को ले सकते हैं, इसके जगह पे तुषार देशपांडे भी खेल सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम तुषार देशपांडे को भी ले सकते हैं, अगर जो भी खेले बैटिंग पहले बॉलिंग पहले कर रही है उस कंडीशन में ही हम रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर मिलेंगे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर लास्ट वाली मैच में 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, हेड टू हेड के 12 मैच यानी कि इस टीम के अगेंस्ट में खेला है 12 मैच, 18 विकेट है, ठीक है। तो हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसलिए ठाकुर को भी आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ट्रंप पिक होने वाला है, ठीक है। रिचार्ज गुलेसन इस ग्राउंड पे बेहतरीन फॉर्म है, 5 मैच में 11 विकेट, आज वाले मैच में सबसे मतलब कि मोस्टली ये ट्रंप कार्ड प्लेयर होने वाला है, ठीक है। आप जेल में सीबीसी भी कर सकते हो, अगर एक तरफा सीएसके की टीम को विन करा रहे हो तो फिर आप रिचार्ज गुलेसन को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना, ठीक है। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है और इस ग्राउंड पर बेहतरीन फॉर्म है, ठीक है, तो लेके चलना, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे मथिसा पतिराना, ठीक है। मथिसा पतिराना को मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में लेना है, जब ये टीम पहले बॉलिंग कर रही हो तो उस कंडीशन में, सॉरी ये टीम अगर पहले ठीक है बॉलिंग कर रही हो उस कंडीशन में ये डेथ में बॉलिंग करेगा तो फिर वहाँ पे विकेट्स आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो इसलिए मथिसा पतिराना को पहले बॉलिंग में ही लेके चलना, सेकेंड बॉलिंग में भी ट्राई कर सकते हो, फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे पंजाब किंग्स का प्लेयर जॉनी ब्रेस्टो, लास्ट वाली मैच में 46, उससे पहले 100+ स्कोर है, ठीक है। उससे पहले 3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इस टीम के अगेंस्ट में 24 के एवरेज से बैटिंग करता है, इस ग्राउंड पे नहीं खेला, ठीक है। ब्रेस्टो को आपको लेके चलना है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, अच्छा कर सकता है। रैली रूसो, ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज आपको काफ़ी डाउन मिलेगा, ठीक है। आज वाले मैच में पंजाब किंग्स के तरफ से ये प्लेयर आपके लिए ट्रंप पिक है, जीएल में आप सीबीसी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वाली मैच में 43 प्लेयर्स बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो इनिंग मतलब कि नहीं आ रही है जो इनिंग इसको खेलना चाहिए, ठीक है। तो आज वाले मैच में ये अच्छा कर सकता है, इस ग्राउंड पे 1 मैच खेला है, 82 रन बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे जीएल के कम्बिनेशन में लगभग हर कम्बिनेशन में ये कैप्टन होने वाला है, ठीक है, रैली रूसो, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे शशांक सिंह। शशांक सिंह देखो रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है और इस टीम के अगेंस्ट में 20 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल लीग में तो हम रखेंगे ही रखेंगे, जीएल के कुछ टीमों से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। सैम कुरन को मैं आपको पहले ही बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, 2 डाउन पे आ रहा है, जीएल में भी कैप्टन करो, स्मॉल लीग में भी कैप्टन करो, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी ठीक ठाक है, इस ग्राउंड पर 2 मैच खेला है, 60 के एवरेज से बैटिंग किया, 2 मैच में 3 विकेट भी है, ठीक है। तो काफ़ी अगर कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन प्लेयर है पंजाब की टीम से तो वो है सैम कुरन, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जितेश शर्मा की, यह टीम पहले बैटिंग कर रही हो उस कंडीशन में जितेश शर्मा को जीएल में ट्राई करना, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हो। आशुतोष शर्मा को अगर यह टीम पहले बैटिंग कर रहा हो उस कंडीशन में आपको अपने टीम में लेके चलना है, आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कितने ट्रंप कार्ड प्लेयर मैंने आपको बताया है, आपको बस नोटिस करना है, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे हरप्रीत बरार लास्ट वाली मैच में 2 विकेट, ठीक है। इससे पहले वाले जो लास्ट वाली मैच हुआ था उसमें मैंने आपको साफ साफ क्लियरली बता दिया था कि ये प्लेयर आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर होने वाला है, ठीक है। इसको कोई भी नहीं ले रहा है, आप अपने टीम में लो, जीएल का काम करके देने वाला है, 2 विकेट निकाल के या लास्ट 5 मैच में 1 भी विकेट बंदे को नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन आज वाले मैच में ये क्या कर सकता है, तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, आप ड्रॉप करने का रिस्क आसानी से लेके जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू टॉस के बाद में आपको पता चलेगा कि पिच पे क्या हो सकता है, उस कंडीशन में मैं हरप्रीत बरार को लूँगा या नहीं लूँगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। हर्षल पटेल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट बॉलिंग में, क्योंकि ये फर्स्ट बॉलिंग करेगा, डेथ में बॉलिंग करेगा, ठीक है, डेथ में बॉलिंग करेगा तो डेथ में विकेट्स जाने की चांसेस बनते हैं, तो उस कंडीशन में हर्षल पटेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सीबीसी भी कर सकते हो। इस टीम के अगेंस्ट में 6 मैच खेला, 10 विकेट्स है, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे कगिशो रवाडा को भी आपको फर्स्ट बॉलिंग में ही लेके चलना है, फर्स्ट बॉलिंग में इसको स्विंग मिलेगा, विकेट्स निकालेगा, फर्स्ट बॉलिंग में आप सीबीसी भी कर सकते हो, ठीक है। राहुल चहर स्पिनर्स गेंदबाज है, लास्ट मैच में 2 विकेट, लेकिन इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं है, इसलिए आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे अर्शदीप सिंह, देखो ये दोनों कंडीशन में आपको आज वाले टीम में लेके चलना है, ठीक है। आज वाले मैच में इस ग्राउंड पे 2 ही मैच खेला है और
एक विकेट, विकेट मतलब कि उतना अच्छा फॉर्म नहीं है ग्राउंड पे, बट ये ऐसा प्लेयर है कि पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा, डेथ में भी बॉलिंग करेगा। उस कंडीशन में आपको अपने टीम में लेके चलना है, ठीक है, अर्शदीप सिंह को। आज वाले मैच में हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा करके ये देने वाला है, ठीक है, तो अर्शदीप सिंह को भी आपको पिक करके चलना है। सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में किसको लेना है, कब किसको ड्रॉप करना है, जीएल में किसको पिक करना है, स्मॉल लीग में आपको किसको रखना है, सीबीसी का कम्बिनेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बेस पे अपनी टीम बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हो। बाकी इसके अकॉर्डिंग जो हमने टीम बनाया हुआ है वो टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला टीम जो है यहाँ पे जॉनी ब्रिस्ट और कैप्टन सॉरी विकेट कीपर सेक्शन से है, और बैटिंग सेक्शन से शुभम दुबे, और यहाँ पे शशांक सिंह है, रैली रूसो है, अजिंक्य रहाणे है, ठीक है, और ऑलराउंडर में यहाँ पे सैम कुरन है, रविंद्र जडेजा, बॉलिंग में हरप्रीत, हर्षल पटेल, कगिश्वर अवाडा, शार्दुल ठाकुर और आर गिलेशन है, ठीक है, जहाँ पे कैप्टन किया हुआ है मैंने सैम कुरन को, और वाइस कैप्टन है शशांक सिंह। दूसरी टीम में आप देख सकते हो जॉनी ब्रेस्टो जो है विकेट कीपर सेक्शन से, और इसके बाद में बैटिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे गायकवाड, शिवम दुबे है, और यहाँ पे रैली रिशो है, ठीक है। ऑलराउंडर में आपको यहाँ पे सैम कुरन मिलेंगे, रविंद्र जडेजा है, बॉलिंग में हर्षल है, अर्शदीप है, कगिश्वर अवाडा है, और दीपक चहर, आर गिलुशन है, ठीक है, जहाँ पे मैंने कैप्टन किया हुआ है सैम कुरन को, और वीसी मेरा है रैली रिशो। ये दोनों जीएल का कम्बिनेशन है। टॉस के बाद में इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस स्मॉली का जो फाइनल टीम होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।